आज फिर हमारे लिए बहुत खुशी का दिन है कि हमारे बीच में एक ट्रू हीरो हैं। आज मुरलीकांत जी हमारे साथ हैं और उनके बेटे अर्जुन साथ हैं। आपने देखा कि मुरलीकांत जी ने देश के लिए गोलियां खाई थी नौ, और आज उनके बेटे अर्जुन गोलियां बनाने का काम करते हैं ऑर्डनेंस फैक्ट्री में, और पता नहीं कितनी दुश्मनों को लग चुकी होंगी, नौ से ज़्यादा लग चुकी होंगी अभी तक। इनका जन्म महाराष्ट्र के सांगली में इस्लामपुर है, मैं महाराष्ट्र का एड्रेस मैंने देखा हुआ वो इलाका, तो वहाँ पे 1 नवंबर 1944 को हुआ था। तो अब 80 साल पूरे होने वाले हैं, और महाराष्ट्र में 80 साल का बहुत सिग्निफिकेंस होता है कि आपने 1000 मोन साइकिल देख ली है, इसलिए जो 80 साल का होता है उसको बहुत लकी मानते हैं। तो हम बिल्कुल 1 नवंबर को भी इनके साथ मनाना चाहेंगे बिल्कुल डिपार्टमेंट की तरफ से। तो मूवी में देखेंगे ही कि गांव में काफ़ी बुलिंग होती थी, उसके बावजूद अपनी जो पैशन थी रेसलिंग वो चालू रखी, आर्मी में गए। 1965 वॉर में सियालकोट सेक्टर में पोस्टेड थे, तो वहाँ पे 9 गोलियाँ लगी, अभी भी एक स्पाइन में है, अभी निकली नहीं है। जैसे आपने देखा कि 72 के पैरा ओलंपिक्स में ही वॉज द फर्स्ट गोल्ड पैरा ओलंपियन ऑफ इंडिया, और आज भी आप, मैं ज़रूर चाहूँगा कि इस शो के बाद आप लोग इनसे बातचीत करें, इनके बेटे से बातचीत करें। और इन्होंने अभी हमें वो चाबी के गुच्छे में डाला हुआ जो तांबे का 1 पैसे का सिक्का होता था वो भी दिखाया कि जब गांव में पहली कुश्ती जीती, और गांव वाले, वहाँ पे रिवाज है पंजाब में ज़्यादा है कि गांव वाले कुछ ना कुछ इनाम दे देते हैं, तो पहले तो लोग मजाक उड़ाते थे, जब जीते तो जो पहला सिक्का मिला कॉपर का वो बीच के मोरी वाला, वो भी अभी इनके चाबियों के गुच्छे में है। तो वो भी आप लोग भी उसको छू के देखिए कि जो बच्चे को जो फर्स्ट इनाम मिलता है उसका खुशी का एहसास ही अलग होता है। हम सब भी जब स्कूल में या किसी स्पोर्ट्स में किसी भी चीज़ में जो पहली चीज़ मिली थी आज तक याद है। इससे पहले हमने शो ऑर्गेनाइज किया था श्रीकांत बोला का, तो श्रीकांत भी यहाँ पे आए थे। उसमें स्टोरी थी कि एक ब्लाइंड बच्चे की जो साइंस पढ़ना चाहता था और देश ने ही उसका साथ नहीं दिया, तो ये कहानी भी बीच बीच में उसी तरह की है। कई बार आप दुश्मन पे, बाहर के दुश्मन पे तो मात दे देते हैं, और उसके बाद भी विद इन आपको इतनी लड़ाई लड़नी पड़ती है कि आप सोचते हो कि राष्ट्रपति में केस करेंगे। मैं भी पूछ रहा था 72 में मेडल जीता, अभी 18 में पद्मश्री मिला, इतना टाइम क्यों लगा? मैंने कहा फिल्म देखो फिर पता चलेगा। यहाँ पे मुरलीकांत जी, आज हमारे डिपार्टमेंट के बहुत सारे लोग हैं, हमारे फील्ड ऑफिसर्स हैं, तो मैं तो 1.5 साल से पोस्टेड हूँ इस खाते में, पर ये विभाग पूरे देश के कितने दिव्यांग है कोई जानता नहीं। सरकार कहती 3 करोड़ हैं, प्राइवेट लोग कहते हैं 10 करोड़ दिव्यांग हैं, हो सकता है बीच का कुछ आंकड़ा हो। सभी की अलग अलग स्ट्रगल है, जो हियरिंग इम्पेयर्ड है उनकी अलग स्ट्रगल है। शाहरुख जैसे हमारे यंग प्रोफेशनल हैं, ही 100% विजुअली इम्पेयर्ड, फिर भी एंकरिंग का काम और सब काम यही करते हैं हमारे। तो आजकल हम इस क्षेत्र में काम करने वाले जितने अचीवर्स हैं, जिन्होंने ये चैलेंज होने के बावजूद ज़िंदगी में अच्छा किया, या जो स्टार्टअप्स हैं, एनजीओज हैं, पेरेंट्स हैं, उन सब से अपने खाते के लोगों की मुलाकात करवा रहे हैं। क्योंकि हम लोग जब जिस कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं उसके साथ मेलजोल करेंगे, तभी हमें फाइलों में हम ढंग से कुछ लिखेंगे और मन में आएगा कि ये सरकार ने मौका दिया, हम कुछ करें कम्युनिटी के लिए। अदरवाइज हमें फाइलों में सिर्फ नियम दिखते हैं, सामने खड़ा इंसान नहीं दिखता जिसके लिए काम कर रहे हैं। और मेरी कोशिश रही है कि नियम बाजू में इंसानियत आगे है, और सरकार में अगर चाहें तो, ये नहीं कहते नियम वॉयलेट करना, पर नियम हर दोनों तरह के होते हैं। एक नियम मिलता है सरकार में हाँ करने वाला, एक ना करने वाला। अगर इच्छा हो तो हम हाँ करने वाला नियम ढूंढ ही लेंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई सर्कुलर मिल ही जाएगा। तो इस तरह के इंटरेक्शन से वो बहुत फायदा हो रहा है, और आज भी हमने 3-4 शोज किए हैं, फिर हम बाकी स्केल अप भी करेंगे, फील्ड ऑफिसेस में भी जाएंगे। मेरे ख्याल से इसका साइन लैंग्वेज में अनुवाद कर दिया गया है, पर हमारे जो ब्लाइंड कम्युनिटी वाले हैं,
आप सरकार पे केस करने की बात सोचते हो, आप पे केस करने की सोच रहे थे। हमारे राहुल बजाज और वो अमर जैन है, वो कहते हैं हम चंदू चैंपियन मूवी के प्रोड्यूसर पे केस करेंगे, ब्लाइंड लोगों के लिए ऑडियो ट्रैक नहीं बनाया। हमने कहा नहीं नहीं, उसमें भी मदद करेंगे तो, और हम बनवा के देंगे, नहीं तो जितनी भी मूवीज डिसेबिलिटी पे आ रही हैं उसमें हमें खुशी होगी कि साइन लैंग्वेज और ब्लाइंड लोगों के लिए पूरा ऑडियो ट्रैक वो हम बना के दें। देखिए साइन लैंग्वेज तो आप समझ जाएंगे कि जो सुन नहीं सकता उसको साइन में समझ आ जाएगी। ब्लाइंड आदमी को आप सिर्फ डायलॉग सुनते हैं, जब आप डायलॉग नहीं बोल रहे होते पीछे क्या चल रहा है वो समझ में नहीं आता। इसलिए जो ब्लाइंड का ऑडियो ट्रैक होता है वो, और जब पीछे साइलेंस होती है या म्यूजिक चल रहा होता है, वो बताता रहता है कि ये हो रहा है ये हो रहा है। तो ये अच्छी बात है कि सभी तरह की कम्युनिटी के लोग इस तरह की मूवीज देखना चाहते हैं। श्रीकांत बोला ये नहीं कि सिर्फ ब्लाइंड लोगों के लिए है, वो बाकी लोग भी उससे इंस्पायर होते हैं। ये मूवी है ये सिर्फ ऐसा नहीं कि लोकोमोटर वाले इंस्पायर होंगे, डेफ लोग देख के इंस्पायर होंगे, ब्लाइंड लोग देखना चाह रहे हैं, जिसको ऑटिज्म है वो भी देखना चाहेगा। अभी 10 दिन बाद पेरिस में पैरा ओलंपिक्स चालू हो रहे हैं और हमें पक्का यकीन है कि जितने नॉर्मल ओलंपिक्स में मेडल मिले हैं उससे कम से 10 गुना अपने पैरा ओलंपिक्स लेके आएंगे। अभी 4 महीने पहले स्पेशल ओलंपिक्स थे जर्मनी में, बर्लिन में, तो उसमें तो वो स्पेशल ओलंपिक्स होते हैं जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट वाले और उस कैटेगरी वाले जो स्टूडेंट्स और यूथ जाते हैं, उसमें तो हमारे बच्चे 250 से ज़्यादा मेडल लेके आए थे। पब्लिक में चर्चा कम होती है वो बात अलग है, पब्लिक में चर्चा सिर्फ नॉर्मल ओलंपिक्स की होती है जिसमें अपन 1+6 मेडल्स लाए हैं अभी, 1 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज। तो पैरा ओलंपिक्स में पक्का से बहुत सारे गोल्ड आएंगे पक्का से, और उसकी शुरुआत जिसने की वो आज हमारे बीच में है। तो फिर बहुत ही आभारी है आपको और आपके परिवार को, सबकी तरफ से शुभेच्छा, एंड वी आर रियली फुल ऑफ ग्रेटिट्यूड कि आप जैसे लोग कम्युनिटी में हैं मार्गदर्शन करने के लिए। धन्यवाद।